हेलो दोस्तों, स्वागत है मैं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल देसी गार्डन में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक इम्पोर्टेंट जानकारी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, यदि आप लोगों की फैमिली आईडी में इनकम 1 लाख है या उससे कम है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। हमारी जो खट्टर सरकार है, जो हमारे सीएम साहब खट्टर हैं, उन्होंने एक स्कीम को लॉन्च किया है। वो स्कीम ये है कि जिनकी फैमिली आईडी में इनकम 1 लाख या उससे नीचे है तो उनके लिए उन्होंने एक बस का जो पास है वो फ्री ऑफ कॉस्ट बनाया है। जो पास है वो सिर्फ 1000 किलोमीटर यात्रा के लिए ही रहेगा, लेकिन अभी निश्चित ये नहीं है कि मतलब वो एक ईयर के लिए 1000 यात्रा है या एक मंथ के लिए है। ये जैसे ही मुझे इसके बारे में पूरी टोटली जानकारी मिलेगी तो मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। लेकिन जो 1000 किलोमीटर है वो भी बहुत ज़्यादा यात्रा होती है, ज़्यादा करके लोग अपने साधनों से ही यात्रा करते हैं। लेकिन आप लंबे रूट के लिए जा रहे हैं तो आप हरियाणा रोडवेज का सहारा भी ले सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसको बनाने के लिए आज मैं आपको अपने ही स्मार्ट फोन से बनाकर दिखाने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल इजी तरीके से। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है और इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिलता है तो इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए हम आज का इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू कर लेते हैं और आपको बता देते हैं कि आप इस स्मार्ट कार्ड को किस तरीके से अपने स्मार्टफोन से बना सकते हैं। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले अपने फ़ोन को उठाइए और यहाँ पर गूगल सर्च बॉक्स में आपको लिखना है ई बुक हरियाणा ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास एक न्यू इंटरफेस इस टाइप का आ जाएगा, ये वाला। यहाँ पर हरियाणा रोडवेज पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास एक न्यू इंटरफेस इस टाइप का आ जाएगा। जैसे ही न्यू इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाता है इस टाइप का, तो यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत से ऑप्शन आ जाते हैं, लेकिन आपको वीडियो को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना है। और यदि आप लोगों को एक ही बार में समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को रिपीट कर भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको अप्लाई HAPPY कार्ड पर क्लिक कर देना है, इस वाले कार्ड पर। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास इस टाइप का एक न्यू इंटरफेस आ जाता है। सबसे पहले वाले बॉक्स में आपको अपनी फैमिली आईडी डालनी है और यहाँ पर सेकंड में यही कैप्चर आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि हमने अपनी फैमिली आईडी को यहाँ पर डाल दिया है और यहाँ पर हम इस कैप्चर को भी यहाँ पर डाल देते हैं और यहाँ पर आपको सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर सेंड OTP पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके जो फैमिली आईडी है उसके जो हेड में जो भी नंबर है उस पर एक OTP यहाँ पर भेजा जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे कि हमारे पास OTP आ गया है और यहाँ पर वेरीफाई पर हम क्लिक कर देते हैं। वेरीफाई पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप लोगों के पास इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले जो ऑप्शन है, यहाँ पर आप अपने डिपो को यानी कि डिपो कलेक्ट कार्ड को यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। जो भी आपका डिपो है वही आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जैसे गुरुग्राम, हांसी, जो भी है आपका डिस्ट्रिक्ट वही सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर जैसे कि मैं पलवल डिस्ट्रिक्ट से हूँ तो यहाँ पर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसको हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। जैसे हमने पलवल को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है और जो डेट है उसको इसी को आपको रहने देना है। आप जैसे कि हमारी जो फैमिली आईडी है उसमें हम 3 मेंबर्स हैं और मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, ये हर मेंबर का अलग कार्ड बनेगा। जैसे कि मैं अपना ही यहाँ पर बनाकर आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर लिखा है एलिजिबल और नॉट अप्लाइड, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। आप बेहतरीन वो होगा जो भी आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर है वही आपको यहाँ पर डाल देना है। मैं अपनी पर्सनल प्राइवेसी को यहाँ पर थोड़ा हाइड भी कर दूंगा और यहाँ पर हमने अपने आधार नंबर को भी फिल कर दिया है और यहाँ पर हम अब कैप्चर को डाल देते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमने कैप्चर डाल दिया है, यहाँ पर हम सेंड OTP पर क्लिक कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर मोबाइल नंबर है जो वेरीफाई नहीं हुआ है, सबसे पहले मोबाइल नंबर पर ही हम OTP भेज देते हैं। मोबाइल नंबर पर जैसे ही हम OTP भेजते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा और जैसे ही हमारे पास OTP आ जाता है तो उस OTP को हम यहां पर डाल देते हैं। जैसे ही हमारे पास OTP आ गया है और हम इस OTP को यहां से वेरीफाई भी कर देते हैं। वेरीफाई हम जैसे कर देते हैं और यहाँ पर हम अपना जो आधार नंबर है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर फिल कर लिया है, यहाँ पर हम अप्लाई पर क्लिक कर देते हैं।
अप्लाई पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो कुछ समय के बाद जो हमारा कार्ड है वो यहाँ जनरेट होकर शो हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पर प्रोसेसिंग चल रही है, कुछ ही सेकंड के बाद जो हमारा कार्ड है वो जनरेट हो जाएगा। जैसे ही कार्ड जनरेट होता है वो आप लोगों के सामने आ जाएगा। और यहाँ पर कुछ मेरी पर्सनल प्राइवेसी थी इसलिए मैंने थोड़ा वीडियो को हाइड भी कर दिया है। दोस्तों जैसे कि हमारे पास जो OTP है वो आ गया है और हम यहाँ पर OTP को फिल कर लेते हैं। और यहाँ पर वेरीफाई पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो देखते हैं कुछ समय के बाद जो हमारा कार्ड है वो यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। कुछ ही समय लगेगा यहाँ पर जनरेट होने में। साइट अभी थोड़ा स्लो चल रहा है इसलिए थोड़ा टाइम भी लग सकता है। दोस्तों जो हमारा OTP है वो यहाँ पर वेरीफाई हो गया है, जो हमारा नंबर है वो भी वेरीफाई हो गया है। जब वेरीफाई हो जाता है तो यहाँ पर ग्रीन टिक आ जाता है और यहाँ पर अप्लाई पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम अप्लाई पर क्लिक कर देते हैं तो हमारा जो कार्ड है वो लगभग कम्प्लीटली बन ही गया है। अभी आपको दिखा देता है कुछ ही समय के बाद जो हमारा कार्ड है वो बनकर रेडी हो जाएगा। दोस्तों जैसे कि आप लोगों के सामने यहाँ पर एक पॉपअप शो हो रहा है, यूआर एप्लीकेशन NCMC HPPY कार्ड हैज बीन सक्सेसफुली प्रोसीड। तो जो हमारा कार्ड है वो लगभग बनकर रेडी हो गया है। अभी जैसे कि हम यहाँ पर देख लेते हैं तो जो दो मेंबर्स हैं हमारे उनका जो कार्ड है वो नहीं बना है और जो मेरा वाला कार्ड है वो बनकर रेडी हो गया है। यहाँ पर आपको कार्ड नंबर भी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से हम इसे डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे हम डाउनलोड के बटन पर क्लिक करते हैं तो जो हमारा कार्ड है वो बनकर रेडी हो गया है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। यदि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आगे देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल देसी गोल्डन को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं एक ऐसे ही अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए और सीखते रहिए।